अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अवर फैमिली विद अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। यहाँ पे जो है ना वो रात के एक या डेढ़ हो रहे हैं, शायद ना तीन हो रहे हैं, नहीं तो अगर तीन हो रहे हैं तो ये अलियान, तो ये अलियान जो है ये जागा हुआ है। अलियान क्या कर रहे हो? सलाम कर लो बेटा। रात के 1:33 तो आप क्या कर रहे हो जाग के? और अली भी उधर सो रहे हैं और जबियार भी सोया हुआ था, तो वीडियो बनाने के चक्कर में उठ गया। चलो कोई बात नहीं, अच्छा मैं रिव्यू ही बहुत दिनों के बाद आई है, तकरीबन 4 to 5 days हो गया था। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना सकी, तो मैंने कहा आज जो है आज भी बस देखने अभी इतनी देर हो गई है, तो मैंने कहा एक बना ही देती हूँ। देखें जरा घर का हाल, देखें जरा आप अभी तबियार के सारी चीजें गिरी हुई हैं बस। तो जो है ना वो सुबह उठ के बस सफाई करेंगे, तो आज जो है वो आपके साथ रात की रूटीन शेयर हो चुकी है। तो जैसा कि आप लोगों ने मेरे थंबनेल पे तो देखा ही होगा, आज हम कुछ प्लेयर जाने का प्लान बना रहे हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने आप लोगों ने जो है मेरे थंबनेल पे देखा ही होगा, आज इस टॉपिक पे मैं थोड़ी सी ज्यादा तो नहीं, थोड़ा सा अपना जो है वो इजहार करने आई हूँ, अपनी राय का अपनी राय बताने आई हूँ। तो हम बात करेंगे सितारा यासीन के, जैसा कि उनके बहुत से फ़ैन हैं और ऑफकोर्स सबको पता ही होगा कि क्या चल रहा है वहाँ पर। और वैसे मुझे सच में नहीं पता था, मुझे ये 2 दिन पहले पता चला, तो मैंने कहा मैं भी देख लूँ। अभी जब यार देखें अपनी वीडियो बनाना चाह रहे हैं, तो आज लोगों को तो पता ही होगा क्या चल रहा है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर जो भी चल रहा है जो भी हुआ है, मैं सितारा यासीन की जो है वो अच्छाई भी नहीं कह रही। और एक वीडियो मैंने उसके उनके बारे में पहले भी बताई थी, तब भी मैंने उनकी ऐसा कोई बुराई नहीं की थी, उसमें मैंने मतलब अपना अपनी राय दी थी कि मतलब उन्हें इस तरह नहीं करना चाहिए था। लेकिन अभी भी जस्ट मैं अपनी राय दूंगी, इसमें उनकी कोई बुराई भी नहीं है, उसमें उनकी तो कोई तारीफ भी नहीं है, मतलब एज अ पर्सन मैं भी जस्ट एक अपनी राय दूँगी कि जो है जो भी मसले मसाइल हैं, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जिसने जो भी किया अल्लाह ताला ही बेहतर हिसाब करने वालों में से हैं। और हमें जो कुछ भी है, जिसके साथ भी जाती है, उनकी सिस्टर सलमा यासीन के साथ या जो कुछ भी हुआ है, या तो सितारा यासीन ठीक है या सलमा यासीन ठीक है, दोनों बहनें हैं ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि उन्हें ये सब कुछ सोशल मीडिया पर लाना ही नहीं चाहिए था। इतना खूबसूरत बहनों का रिश्ता उन्होंने अपनी, मुझे नहीं पता कौन ठीक है कौन गलत है, मैं किसी के बारे में नहीं बोलूँगी कौन ठीक है कि कौन गलत है, लेकिन इतना खूबसूरत रिश्ता उन्होंने जस्ट फेमस होने के लिए जिस चीज़ के लिए भी ख़राब कर दिया। अगर कोई कोई इशू था भी तो वो आप लोगों को अपने घर में ही सॉल्व करना चाहिए था, ये कुछ तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था कि जो है वो आप अपना आप इतना सब कुछ सोशल मीडिया पे ले आए हो। और अगर कोई गलत है अभी तो अल्लाह ताला उसका बेहतर हिसाब करने वालों में से है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह के टॉपिक पर सोशल मीडिया पर बात करनी चाहिए, और इतना सब कुछ इतना मतलब, और वो भी अपनी बहन के बारे में, और मतलब इस तरह से अपना इतना खूबसूरत सा रिश्ता ख़राब नहीं करना चाहिए था। तो बस मेरी इतनी सी ही राय है, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। ऐसी बैठी हुई थी तो तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ही है जो है ना, तो यार तो तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो मैंने सोचा कि ना बैठे बैठे जो है ना वो थोड़ी सी वीडियो ही बना दी जाए, तो सितारा यासीन के चक्करों में जबियार को भी जगा दिए। बहरहाल सबकी अपनी अपनी लाइफ है, अपनी मर्जी से वो लोग यूट्यूब पे ला रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाए, फैमिली ब्लॉग्स बनाए, सब देखें आपको खुश हो। इतनी इतनी बड़ी बातें और इतना इतना बड़े
चीज़ों को YouTube पर डिस्कस नहीं करना चाहिए था। तो ठीक है गाइज, और एक बात तो मैं हमेशा कहना आजकल भूल जाती हूँ, सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक भी कर लें अगर आपको अच्छी लगी हो, और मेरी वीडियो को शेयर भी किया करें और नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर लें गाइज। तो ठीक है गाइज, आज का ब्लॉग हमारा इतना सा ही था। हंसते रहें, बसते रहें और हमेशा खुश रहें, ज़िंदगी ने वफा की। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट ब्लॉग में न्यू एनर्जी के साथ, न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ यूट्यूब फैमिली, सब्सक्राइब माय मामा चैनल एंड लाइक द वीडियो, अल्लाह हाफिज़।